बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल आप लोग? ठीक है, खैरियत से? रौफ फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो दोस्तों। जिस वक्त की पुरानी फ्रेश अपडेट्स है वो मैं आप लोगों की खिदमत पे लेके हाजिर हूँ। तो अपडेट शुरू करते हैं सबसे पहले सल्तनत ऑफ ओमान की आबादी के हवाले से। आप लोग देख सकते हैं ओमान की NCSI की तरफ से रिपोर्ट शाया की गई, इसके मुताबिक अदाद शुमार बताए गए हैं। नवंबर 2022 तक की सल्तनत ऑफ ओमान की आबादी बताई गई है। इसमें बताया जाता है कि सल्तनत ऑफ ओमान की आबादी दोबारा से 5 मिलियन के करीब होने को है। इसके अंदर मजीद ये भी बताया गया कि कितने ओमानी कितने खारजी, तो इसकी पूरी तफसीलात क्या है आप लोग पहले देख ही लें मेरी स्क्रीन के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं ओमान की NCSI की तरफ से ये तस्दीक की गई है कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर इस वक्त के मुताबिक नवंबर 2022 तक 28,61,417 ऐसे हैं जो कि ओमानी हैं। इसके अलावा 20,42,630 ऐसे हैं जो कि खारजी, और कुल मिला के आप लोग देख सकते हैं बताया जाता है कि 49,04,047 इस वक्त के मुताबिक सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर मौजूद है नवंबर 2022 तक। और पिछले महीने तक की देख लें तो पिछले महीने के मुकाबले में इस वक्त 27,922% यानी कि एक महीने के अंदर 27,922% आ चुके हैं सल्तनत के अंदर, जो कि ज्यादा कम्युनिटी खारजी हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सवालात भी बहुत ज्यादा आते हैं कि अजीम भाई काम बहुत कम है या इस तरह के मामला, तो आप लोग देख सकते हैं आबादी इंक्रीज हो रही है सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर। कोरोना वायरस के बाद लोग आ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो एकदम से हजूम हो गया, जिसकी वजह से थोड़े से क्राइसिस होते हैं। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला मौजूद है, जो भी सल्तनत के अंदर आता है वो अपना नसीब लेकर आता है, और इंशाल्लाह जो आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला सल्तनत ऑफ ओमान की खैर करे, तमाम लोगों को बेहतर पक्का रोजगार अपने गैब के खजानों से वाफत मकदार में अता फरमाए, आमीन इंशाल्लाह। अब आप लोग को एक खास खबर से आगाह करेंगे। आप लोग देख सकते हैं ओमान के मिनिस्ट्री ऑफ हेरिटेज एंड टूरिज्म की तरफ से ये स्टेटमेंट शाया की गई। इसके मुताबिक ये तस्दीक की गई कि अलबस्ता दुक्कम के पास एक इलाका है नाफून, वहां पर एक इस तरह की कब्र मिली है जिसके अंदर 9 पादरियों के नमूने मिले। आप लोग देख सकते हैं तस्दीक की गई है कि मसीह बरादरी से ताल्लुक रखने वाली एक कब्र वहां पर दरियाफ्त हुई और उसके अंदर से 9 पादरियों के नमूने मिले हैं। साथ में ये भी बताया जाता है कि काफी तादाद के अंदर कोई बर्तन वगैरह कुछ इस तरह की चीजें मिली है जिसके अंदर कॉस्मेटिक्स वगैरह का सामान पुराने लोगों के सारे कदीमा के लोग रखते थे। तो आप लोग देख सकते हैं ओमान की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से बताया गया, और इसके भाई ये तमाम चीजें स्टोर की गई है। इससे सल्तनत ऑफ ओमान की जो टूरिज्म है वो भी बहुत हाई लेवल पर होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला खैर रखे इस पूरे दुनिया जमाने के अंदर, आमीन इंशाल्लाह। अब आप लोग को एक अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। चिकन टिक्का मसाला के बानी अहमद असलम अली का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले चिकन टिक्का मसाला के बानी, जिन्होंने सबसे पहले मुतारफ करवाया पूरी दुनिया के अंदर चिकन टिक्का, के इस तरह भी चिकन को आप लोग बना सकते हैं, इस तरह से मसाला उसका बनाया और पूरी दुनिया के अंदर मकबूल हुआ। आज उनका इंतकाल हुआ 77 साल की उम्र में। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनकी मगफरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन इंशाल्लाह। अब आप लोग को एक खास खबर से आगाह करेंगे। जैसे आप लोगों ने मुहावरा सुना होगा कि शौक दा कोई मोल नहीं, तो भी इस हवाले से आप लोग देख सकते हैं एक स्टेटमेंट शाया की गई। इसके मुताबिक तस्दीक की गई है कि UAE के अंदर एक इंडियन इस तरह का रेजिडेंट मौजूद है जिसके पास 500 के करीब इस तरह के जूते, जिनमें कुछ इस तरह के भी जूते मौजूद है जिनकी कीमत UAE 60,000 दरम के करीब है, यानी कि ओमानी 6,000 रियाल का एक जूता, पाकिस्तानी 34 लाख के करीब एक जूता। आप लोग देख सकते हैं तस्दीक की गई कि 500 के करीब इस तरह के जूते इस इंडियन शहरी के पास मौजूद है जो कि इस वक्त के मुताबिक UAE का रेजिडेंट है। पूरी दुनिया के अंदर रिपोर्ट शाया की गई, इसके जूतों का कलेक्शन दिखाया गया, रंग बिरंगे जूते मौजूद है, स्पाइक्स मौजूद है, हर किस्म की महंगी तरीन क्वालिटी इसके पास मौजूद है। और इससे पूछा गया, इसका इंटरव्यू हुआ, कहता है कि मेरा शौक है कोई भी जो जूता आता है नया मार्केट के अंदर, मेरी कोशिश होती है कि मैं लेकर आऊँ और उसको एक बार पहनकर उसको सजाऊं। तो यानी कि आप लोग देख सकते हैं वाकई में ही शौक का कोई मोल नहीं। तो यही तमाम इस वक्त की अपडेट्स, और रौफ फजल अजीम को दीजिए इजाजत, हंसते बसते रहे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।